भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है नगर निगम के अंदर। आप ही लोगों ने इतनी सारी कहानियां बताई, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, नीयत खराब है। अंत पंत में एक ही चीज आती है कि नीयत किसकी, नीयत साफ हो तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ऐसा भी क्या है, हमने आते ही अगर लाइसेंस राज खत्म कर दिया दिल्ली सरकार में, रेड राज खत्म कर दिया, डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर दी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया। अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम कराना है 1076 पे फोन करो, आपके घर आके काम करके जाते हैं। एसडीएम के दफ्तर से जाने की जरूरत नहीं है, आप 1076 पे फोन करो, आपके घर आके करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अफसरों से पैसे नहीं बांध रखे। पहले की सरकारें अफसरों से पैसे बांधती थी, हफ्ता बांध रखा था, महीना बांध रखा था, भाई एसडीएम इतने पैसे लाके देगा, ट्रांसपोर्ट वाला इतने पैसे लाके देगा, इस जिले से इतने पैसे होंगे, उस जिले से। हम पैसे इकट्ठे नहीं करते, हम ईमानदार लोग हैं। सारा सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया दिल्ली सरकार का। तो भ्रष्टाचार तो एक ऐसी चीज है, 3-4 महीने में यूं करते करते एमसीडी को साफ कर देंगे, आप चिंता ना करो। एमसीडी के अंदर मेरे को लगता है 3-4 महीने के बाद एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं बचेगी। आपको किसी तरह की कोई हैरेसमेंट नहीं होगी उसमें। कई सारी चीजें आ गई, अब आपका लाइसेंस राज आ गया, पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे। जितने अननेसेसरी लाइसेंस हैं सारे खत्म कर देंगे, जो जरूरी जरूरी है उसको रखेंगे, वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सीलिंग को बैठ के इसको सारे को समझेंगे। और मैं आज आश्वासन दे रहा हूं, देखो मैं बड़ा चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए विश्वसनीयता बनी हुई है। जिस चीज की गारंटी देता हूँ पक्की कर देता हूँ। सीलिंग का मुद्दा मैं समझूंगा, सारा बैठ के समझूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की दुकानों को मैं डीसील कराऊं। दिल्ली के अंदर वैसे ही व्यापार की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी हिस्टोरिकल वो रहा, इन्होंने बहुत कम मार्केट्स बनाई। जितना दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी के अंदर तो कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। इन लोगों ने जायज मार्केट्स बहुत कम खोली, जिसकी वजह से कई सारी दूसरी मार्केट्स बन गई। लेकिन अब उन मार्केट्स को बंद नहीं किया जा सकता, अब उन दुकानों को बंद नहीं किया जा सकता, नहीं तो लोग जाएंगे कहां। अपनी रोजी रोटी बंद कर दी आप लोगों ने, तो फिर इन्हीं अंकल जी की तरह ही हाल होगा सबका। ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना दिल्ली वाले, तो इसका समाधान निकालेंगे। हमारी नीयत साफ है, इन लोगों की नीयत खराब थी। इनका ये था पहले सील कर दो फिर डीसील करने के पैसे लो, पहले सील करते वक्त पैसे लो, दोनों टाइम पैसे लेते हैं ये लोग। नहीं तो धमकी देते हैं, प्रोटेक्शन मनी लेते हैं ये लोग। हमको ना प्रोटेक्शन मनी चाहिए, ना सीलिंग में पैसे चाहिए, ना डीसीलिंग में पैसे चाहिए। हम आपकी दुकानें डीसील करके दिखाएंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारी दुकानें। इंस्पेक्टर आज बंद हो जाएगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, सारे इंस्पेक्टर का सिस्टम ही खत्म कर देंगे, इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। जैसे दिल्ली सरकार का वैट का जीएसटी का आपके उसमें नहीं आता, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। बिल्डिंग बायलॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखे हैं इन्होंने, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, रेजिडेंशियल में भी परेशानी होती है, कमर्शियल में भी परेशानी होती है। और इसको पूरे को खूब जबरदस्त तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेटिक कर देंगे, आपको परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत रेयर केसेस में परमिशन होगी, जिसको कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन हो या डोरस्टेप डिलीवरी के जरिए। सिंगल विंडो कर देंगे सारी चीजों का, ताकि आप एक घर पे बैठ के सिंगल विंडो आप अप्लाई करो और आपके टाइम बाउंड तरीके से आपको वो मिल जाएगा।